जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। शनिवार का दिन 10 जून, आज आपकी जीवन में सफलता का योग है, आज आपकी जीवन में सौभाग्य का योग है, आज आपको बड़ा लाभ होने वाला है और आपकी कठिनाई भी आज दूर होने वाली है। क्योंकि राहु की नीच दृष्टि जो बृहस्पति पर थी, आज वो खत्म हो जाएगा। जब राहु की नीच दृष्टि बृहस्पति पर से खत्म हो जाएगा तो राहु आपकी जीवन में सुख देगा और बृहस्पति सौभाग्य को बढ़ाएगा। अब आप अपने जीवन में बड़े बड़े काम कर पाएंगे, ज़्यादा धन कमा पाएंगे और भाग्य में तरक्की उन्नति का योग है, तो आपके कार्य का विस्तार भी होगा, आपके जीवन में सफलता कामयाबी का सुख भी मिलेगा और आप भाग्यशाली भी होंगे। आज का दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, शनिवार का दिन है, शीघ्र आपकी इच्छा पूरी होगी, सारी बाधा अब आपकी दूर होगी, आपकी स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। क्योंकि आज आपके अंदर आत्मविश्वास भी है, आत्मसम्मान भी है। जो भी काम को आप मेहनत से करेंगे आपके जीवन में उससे लाभ होगा। आज आपके रिश्तों में परिवर्तन और सफलता के तरफ उठने वाले कदम आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। पारिवारिक वातावरण बड़ा खुशहाल होगा और आपके जीवन से नकारात्मक प्रभाव भी दूर होगा। ऐसे समय में भाग्य आपका साथ देता है, उत्साहजनक परिणाम की प्राप्ति होती है और आपकी किस्मत इतने बुलंद होते हैं, जिस भी काम को आप करते हैं वो काम आपका सफल हो जाता है। अपने साहस, अपने पराक्रम के बल पर आप सफलता प्राप्त करते हैं, सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और आपके मन में अच्छे विचार की उत्पत्ति होती है। क्योंकि आज राहु बृहस्पति का प्रभाव है, श्रेष्ठ प्रदर्शन करके महत्वपूर्ण सफलता पाना, कार्य में तेजी आना और अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करना, सब कुछ आज आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आज विषकंभ योग है, सतविशा नक्षत्र है, दोपहर 3:39 तक राहु स्वामी है, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का उदय होगा जिसका स्वामी बृहस्पति होगा। आज बृहस्पति और राहु दोनों आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। सप्तम भाव में राहु और बृहस्पति है, राहु की नीच दृष्टि बृहस्पति पर से खत्म हो चुकी है, जिसके कारण अब बृहस्पति भी आपके जीवन में सुख सौभाग्य देगा और राहु भी आपके बिगड़े काम को बनाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी जीवन की चिंता दूर होगी और अपने बल बुद्धि के बल पर आप जीवन में सिद्ध फल की प्राप्ति करेंगे, सामर्थ्य आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। कोई भी नया काम शुरू करेंगे उसमें आपको ज़्यादा लाभ भी होगा, संपत्ति कारोबार में धन लक्ष्मी का आगमन होगा, कार्य की सफलता जीवन को सुखी बनाएगा और भाग्य की बुलंदी से जीवन में सुखता आएगा। आपके सारे काम सिद्ध होंगे, मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और जीवन की दिशा शुभ रहेगा। सामर्थ्य बढ़ने से कार्य की उन्नति और जीवन में सुखता बढ़ता है। भाग्यशाली हैं तो जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे और अपने भाग्य के बल पर जीवन में ज़्यादा सुख अर्जित करेंगे। आज आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बुध और सूर्य का गोचर है, जबकि लग्न में केतु बैठा है और पंचम भाव में शनि का गोचर है। आज ये केतु का लग्न के ऊपर गोचर करना और सप्तम भाव में बृहस्पति का शुभ स्थिति होना बड़ा शुभ फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। खुशियां आपके जीवन में बढ़ेगी, अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी,
सफलता कामयाबी आपके जीवन में बढ़ेगा और भाग्य का सितारा भी आपका चमकेगा। आप अपने कार्य को मेहनत से करेंगे, अपने कारोबार में ज़्यादा ध्यान देंगे, नई ऊर्जा आपको उत्साहित करेगा और नया ऊर्जा आपके जीवन में लाभकारी योग बनाएगा, क्योंकि आज जीवन में समृद्धि आरंभ हो जाएगी। परिश्रम का फल भी आपको अच्छा मिलेगा। तरक्की उन्नति के लिए दिन शुभ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु बृहस्पति का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया है, मंगल और केतु की दृष्टि है। दिन बड़ा सुखद है, शुभ समाचार और जीवन में परिवर्तन का योग है, जो वांछित सिद्धि देगा, आपकी अभिलाषा को पूरा करेगा। लाभ समृद्धि की प्राप्ति होगी और अपने जीवन में उत्साह से जो भी काम करेंगे, आपकी अद्भुत क्षमता आपको बड़ा भाग्यशाली बना रहा है। सफलता जरूर हासिल करेंगे, जबरदस्त आकर्षण होगा, नौकरी व्यापार की स्थिति अच्छा होगा, अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और अपने जीवन में हर परेशानी पर आप विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब आपकी कुंडली में राहु की नीच दृष्टि बृहस्पति पर से खत्म होगा, तब आपके जीवन में सुखता बढ़ेगा, भाग्य आपके बुलंद होंगे और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मन की उलझने समाप्त होगी, जीवन के संकट खत्म होंगे और बड़ा प्रभावशाली आपका जीवन होगा। गृहस्थ जीवन सुख शांति से व्यतीत होगा, मन में आनंद और आगे बढ़ने का अवसर आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करेगा। परिस्थिति तेज गति से बदलेगी, आपके काम में तेजी आएगा और भाग्यशाली योग बड़ी खुशखबरी, बड़ी सफलता, भाग्य में धन संपत्ति का सुख है और जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। तुला राशि वालों के लिए सौभाग्य का सुख है और जीवन में शुभ समय बड़ा उत्साहित करने वाले परिणाम देते हैं, बड़ा प्रभावशाली आपको बनाते हैं। आज आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा शनि, जो आपके जीवन में शुभता देगा, लग्न में बैठा केतु और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा बुध और सूर्य, जिसकी स्थिति आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, जो हर मुश्किल से आपको बचाएगा, हर परेशानी से छुटकारा प्राप्त होगा। बेहतर समय है, अपनी शक्ति अपने समृद्धि का सही दिशा में उपयोग करें, तब आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ेगी, मन की इच्छा भी पूरी होगी, जीवन में सुख भी बढ़ेगा, आप भाग्यशाली भी होंगे, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली है। आज आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, आज चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। चंद्रमा की दृष्टि लाभ स्थान पर है, लाभ स्थान का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में बुध के साथ बैठा है, जिसकी दृष्टि धन भाव पर है। धन भाव का स्वामी मंगल आपकी कुंडली के कर्म स्थान में शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र आपके लग्न का स्वामी है, यानी आपके जीवन में शुभ स्थिति तरक्की लेकर आया है। कार्य आपके सफल होंगे, अच्छे फल की प्राप्ति होगी, किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी शनि है, द्वितीय चरण का स्वामी बृहस्पति, तृतीय चरण का स्वामी मंगल है, चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है। प्रथम चरण का स्वामी पंचम भाव में और बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जबकि तृतीय चरण का मंगल आपकी कुंडली के कर्म स्थान में शुक्र के साथ बैठा है, तो आपके जीवन में नई नई खुशियां की प्राप्ति होगी, सफल समय की शुरुआत होगी, भाग्यशाली योग है, हर काम में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास आपके जीवन में बढ़ेगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, बड़ी तरक्की उन्नति सौभाग्य सुख का योग है, बेहतर परिणाम आपके जीवन में आपकी क्षमता को बढ़ाएगा, भाग्य में धन संपत्ति का सुख है, तो जीवन में बड़ी तरक्की उन्नति की प्राप्ति होगी। तो विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग 10 जून।
शनिवार का दिन है, आषाढ़ माह किस पक्ष की सप्तमी तिथि है, विषकम योग सतविषा नक्षत्र राहु स्वामी है, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति स्वामी है। राहु बृहस्पति का प्रभाव और राहु की नीच दृष्टि का अंत होना मंगल केतु की दृष्टि से आपके जीवन में तरक्की समृद्धि का योग है। आप अपने महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश करें, अवश्य आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगा। स्थिति आपके अनुकूल है तो भाग्य भी आपका चमकेगा और आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी, जिसके प्रभाव से आपका जीवन सफल होगा। नई संभावना आपके जीवन में आपके सौभाग्य को जगाएगा। बेहतर स्थिति आपके जीवन में सामर्थ्य साहस को बढ़ाएगा। बड़ी सफलता मिलेगी। कामयाबी धन का योग है। भाग्य सौभाग्य आपका अच्छा है। आज राहु काल 8:52 से 10:36 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर नीला होगा। लकी नंबर 6 होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 रवि योग सुबह 5:23 आपके लिए बेहतर परिस्थिति का निर्माण करेगा, जबकि अमृतकाल 8:54 सफलता कामयाबी भरा होगा, जो खुशखबरी भी देगा। अभिजीत मुहूर्त 11:53 और विजय मुहूर्त 2:20 आपके लिए ऊर्जा को बढ़ाने वाला, उत्साह को बढ़ाने वाला साबित होगा। तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। शनिवार का दिन है, शनि देव का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। आज का दिन शुभ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। किस्मत आपकी चमकेगी, भाग्य भी आपका बदलेगा। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।